पुलिस वाले ने बोला कि कल ही हमें होना है तो इसलिए लेने जाना पड़ रहा है उसको, वरना वो संडे को आने को कह रही थी। उसका काफी मूड भी खराब है कह रही। तो मैं बताऊंगा किसी दिन है ना कि हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। हेलो गाइस, हाउ 15 दिन के लिए औरत चली जाए ना, आदमी को आटे दाल का भाव पता लग जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप ज्योति। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 7:30 बजे और मैं जा रहा हूँ ज्योतिका को लेने गाज़ियाबाद। तो अभी मैं ऑफिस से आ गया था, ऑफिस से आने के बाद अब मैं जा रहा हूँ गाज़ियाबाद की तरफ, क्योंकि ना कल उसका एक पुलिस वेरिफिकेशन है जिसकी वजह से उसको लेकर आना पड़ेगा जल्दी। क्योंकि पुलिस वाले को मैंने बोला भी, लेकिन पुलिस वाले ने बोला कि कल ही हमें होना है तो इसलिए लेने जाना पड़ रहा है उसको, वरना वो संडे को आने को कह रही थी। उसका काफ़ी मूड भी ख़राब है कह रही, मैं संडे को आती तुमने मेरे को बहुत जल्दी बुला लिया। तो भाई क्या कर सकते हैं, जाना तो ही। फिलहाल अभी तेल डलवाते हैं, गाड़ी गंदी खड़ी है, गाड़ी को साफ करते हैं और चलते हैं। कैमरा लगा लूं, चलो फिर। गियर ये सर्विस भी मांग रही है गाड़ी, अब कराएंगे सर्विस किसी दिन, चलो फिर। तो गाइस गाड़ी पे तो कपड़ा लग गया पूरा जितना लगना था, गाड़ी बहुत गंदी खड़ी थी तो पूरी गाड़ी साफ करिए, और गाड़ी साफ करके मैं निकल गया हूँ अब गाज़ियाबाद के लिए। और गाइस वो पिछला वाला व्लॉग कैसा था यार, कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो, थोड़ा बता तो दिया करो कैसा लगा तुम्हें। तो लेपर ट्रेन है ना, उसमें ना काफ़ी चीज़ें मुझे काटनी पड़ती है क्योंकि पी के है ना बहुत फालतू बोलता है कभी कभी, तो उसकी वजह से बहुत कुछ काटना पड़ता है मुझे उसमें से। अरे छोटी सी सर्विस रोड से जाना पड़ता है, वरना मेरे को पूरा कट घुमा के लाना पड़ता है, इसलिए ना सर्विस रोड से ही आ गए। यहाँ से अपना रेड लाइट पे निकल जाऊँगा और देन ईजिली निकल जाऊंगा वहाँ के लिए गाज़ियाबाद। आज भी जब मैं अपनी टाटा नेक्सोन को चलाता हूँ भाई, इतना बढ़िया मेरे को फील आता है। पता, एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगा था कि ये डिसीजन मेरा सही है या गलत है, बिकॉज उस टाइम जो है टाटा नई नई आई थी तो मुझे थोड़ा सा वो था कि यार लूँ ना लूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, क्योंकि भाई टाटा की गाड़ी का यार टक्कर नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। 4 साल मेरी गाड़ी को हो चुके फिर भी आज भी इतनी शानदार चलती है ये, नज़र ना लग जाए लेकिन बहुत शानदार गाड़ी है यार। आजकल ना जब भी मैं जाता हूँ गाज़ियाबाद, बस उतना ही लिमिटेड तेल डलवा रहा हूँ, लगभग 500 रुपये में मेरा अप डाउन हो जाता है गाज़ियाबाद का। तो आज मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा एक्स्ट्रा तेल डलवा लूँ है ना गाड़ी के अंदर, तो अभी मैंने 2000 का तेल डलवाया और इस वो देखो 335 की एवरेज वो आ गई है रेंज, तो लगभग 60 पहले से था इसमें रेंज और अब आ गई है 335 लगभग, लगा लो तो 2000 में क्या बैठा है उस हिसाब से आप वो कर लेना है ना, तो इससे ज़्यादा ही चल जाएगी, मतलब इतनी तो चली जाएगी, ये कन्फर्म है, इतना तो चलता ही चलता है। तो चलो निकलते हैं फिर और बात करते हैं ना। गाइस फाइनली आ गया मैं राजनगर एक्सटेंशन वाली एलिवेटेड पे। यार आज बहुत ज़्यादा जाम था दिल्ली के अंदर। अच्छा गाइस देखो, आजकल ना बहुत सारे नए नए लॉज आ रहे हैं, आपको भी पता है हिट एंड रन लॉ आ रहा है, कई सारे आ रहे हैं, तो मैंने भी जो हिट एंड रन से पहले से ही मैंने अपनी गाड़ी में लगाया हुआ था ये डैश कैम, ये देखो DDPI का, तो डैश कैम मैंने लगाया था 2019 में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, जब कभी तसल्ली से बैठूंगा तो मैं बताऊंगा कि हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। एक मिनट मैं शीशी लॉक कर लेता हूँ, पहले रुको। तो मैं बताऊंगा किसी दिन है ना कि हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। हम राजस्थान से आए थे, क्योंकि उस टाइम मैं सोशल मीडिया पर नहीं था ज़्यादा और वीडियो भी मैंने कोई बनाई नहीं थी, तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था हमारे साथ, जिसके बाद से मैंने अपनी गाड़ी में डैश कैम लगवाया था। तो गाइज ये वैसे भी उस इंसिडेंट के बाद मैंने लगवाया था, और मैं कहता हूँ कि ना हर किसी की गाड़ी में एक डैश कैम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इस टाइम। तो गाइस ये जो मेरा डैश कैम है ये DDPI का है, मैंने चाइनीज़ कंपनी का डैश कैम लगवाया था। DDPI इसको हिंदी में हम जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो DDPI बोलेंगे, बट जब ये ऑन होता है तो बोलता है DDPI। तो गाइस अभी ना मैंने ये तो ले लिया है, लेकिन ना कभी कभी क्या होता है कि ना एप्पल के अंदर फ़ोन के अंदर ना इसका एप्लीकेशन ढंग से काम नहीं करता,
तो पहले मेरे पे एंड्रॉयड था तो ठीक था, लेकिन जब से मैंने एप्पल लिया तो कभी कभी क्या होता है कि इसकी वो सही से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ एक बैक शीशे के लिए भी एक और डैश कैम ले लूँ। आप गाइज बताना कोई इससे अच्छा डैश कैम है क्या, DD5 से अच्छा अगर कोई हो ना इससे भी अच्छी कंपनी का डैश कैम जो बढ़िया हो काफ़ी, है ना, जिसकी क्लैरिटी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो गाइज बिल्कुल बताना। क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ पीछे भी गाड़ी में ना एक डैश कैम लगा लूँ, बहुत ज़रूरी है यार, आगे भी ज़रूरी है पीछे भी ज़रूरी है, तो मैं देखता हूँ, है ना। प्लीज़ अगर कोई भी है, कोई भी इसमें काम करता है, किसी के गाड़ी में लगा हुआ है कोई अच्छा डैश कैम, तो मुझे बताना, है ना, मैं देखूँगा उसके बारे में, उसकी वेबसाइट पे जाके सर्च करूँगा, और अगर अच्छा लगेगा तो मैं उस डैश कैम को ज़रूर लगाऊँगा यार अपनी गाड़ी में, बैक शीशे के लिए भी, बैक मिरर के लिए भी। तो चलो फ़िलहाल अभी चलते हैं, है ना। और वो जो राजस्थान वाली कहानी है ना, वो किसी दिन पक्का किसी वीडियो में मैं ज़रूर सुनाऊंगा कि वो कहानी क्या थी, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं, अभी मैं एलिवेटेड पे हूँ और बस पहुँचते हैं फिर जल्दी जल्दी। तो भाई मैं तो आ गया घर पे, और देखो उन्होंने क्या गड़बड़ी कर दी है, वो चले गए हैं खाना मार्केट घूमने फिरने और कुछ चरने के लिए, और मुझे बैठा दिया है यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ अंदर, अब मुझसे कहेगा ना पी के, जब देखता हूँ थोड़े नखरे करूँगा, जाऊँगा तो मैं भी खाने पीने, लेकिन पहले थोड़े नखरे करने ज़रूरी हैं। तो फिलहाल अभी जाता हूँ अंदर और देखता हूँ घर में पापा होंगे मम्मी होंगे, उनसे मिलता हूँ और फिर दिखाता हूँ आगे का। हाँ सही जुगाड़ कर रखा है भाई हंस, सही जुगाड़ कर रखा है। तो ये आएगा बेटे, ये शक्ल आएगी तेरी ऐसी बंदर वाली। अब बताओ इसे छोड़ के चले गए, वो खाने पीने गए तुझे छोड़ गए हैं, ये तो मूंछ आ गई यार देखियो। हेलो गाइस, हाउ निकल गया, ये रहा ये रहा, देखो ये रहा देखो। जाओगे कहीं खाने पीने? हाँ जाओ, तो बाहर खड़ा हो तो इंतजार कर लो। चलो आना रहा अंदर। एक बात बताओ, ये कहाँ की अच्छी बात है, जब तो अलोंडा तुम यहीं छोड़ गए, अभी आ रही है दवाई लेने, मिठाई लेने भाई। मुझे याद भी कर रही थी अभी। हाँ हाँ मैं याद कर रही थी, इसकी आई अभी। ओ अभी आ रही है इसकी, तो मामा कर रहा थी क्या यार। दिखाइए शकल, दिखाइए फिर से हिचकी ले, एक बार आ गई बाज। मजा आ गया ना, मोए मोए हो गए तेरे साथ तो। हाँ। एक बार करके दिखा दे फिर, मोए 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 दो तुम्हारे क्या हो गए चेहरे पे, हैं मैंने 3 खाए, 2 बाद में खाए, 1 पहले खाए। इन्होंने कितने खाए? 4 खा के पेट में दर्द हो गया, इसके चक्कर की वजह से मैंने दोबारा लिए अपने लिए। 4 खा के पेट में दर्द, इसने 3 मोमोज खा लिए, मेरे इससे कभी एक मोमोज खा, तभी तू देख के किलेसरी हो गया ना, तभी इनके। अच्छा 2000 years later मैं तो क्वेश्चन हमारा स्मेल आ रही है अच्छी फ्रेग्रेंस, वो तो खैर मैं इनमें हमेशा बाय बढ़ते हैं, ये स्मेल अलग होता है फ्रेग्रेंस। अच्छा फ्रेग्रेंस है, वो फ्रेग्रेंस है हमें, हम बड़े फ्रेग्नेटिक आदमी है। कद्दू को अंश क्या खाएगा? मैं खाऊंगा, एक मिनट लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। अरे यार ये कैसी कैसी डिमांड कर रहा है समोसे, ऐसा पूछ ही क्यों रहे हो? पापा की क्या क्या कौन सी ड्यूटी है? नाइट, पूरे दिन की नाइट है। हाँ। नहीं? अभी तो बताया दिन की नाइट नहीं होती बेटा। अब कब आएंगे पापा जी? अब आएंगे कल। कल? हाँ यही सुनना पड़ेगा फिर तो आपको। क्यों यार? यही सुनना पड़ेगा, ऊपर नहीं सो गए? ऊपर तो कहाँ सुनने, ऊपर कोई एक ही बेड है ऊपर, तो एक ही बेड में सो गए, और 4-5 बेड चाहिए तुझे सोने के लिए। सब सोएंगे ना ऊपर तो, सब क्यों सोएंगे, तू सोएगा अकेला, मम्मा नहीं सोएंगी। इसको ना वहाँ कमर खुजाने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा ना, यहाँ तो कमर भी खुजवाएगा, सर भी वो टांग भी दबाएगा। हाँ बोलो क्या करते? ये के लिए दूंगा, ये बंदूक है ना? हाँ ठीक है भाई पी के, क्योंकि मेरा छोटा भाई है वो। हाँ ऑन रिकॉर्ड बात हो गई है, जाते में ये बंदूक लेके जानी है वो। ठीक है भाई दे दियो लंच है ना? हाँ ठीक है डन, लाओ अभी दे दो फिर वीडियो में ही दे दो। अभी नहीं दूंगा, जब जाओगे तब दूंगा, याद रखना देखना। हाँ ठीक है डन भाई।
शेर चीता ही कह रहा है चीता ही कह रहा है अबे भाई अतुन अतुन तू और ही कहते हैं मामा ही कह रहा है अबे भाई मसाई कह रहा है ओए पी के इसने पहले से नहीं बोला था शेल क्या खा के आया हीटर ले जा कि अपने छाती में हीटर रख के सिखाई कर लिए चलो भाई जितने बैग लाए उतने ही ले जा रही है एक्स्ट्रा तो ना आएगा दो एक्स्ट्रा और हाथ में अलग तेरा और जो पेन सारी चीज ले ली ना पक्का क्यों उससे क्या हो जाएगा अरे चल आ जा अबे बजट पुट पे की चढ़ रहा तू बावला मैं भी ठंड हो गई जल्दी आजा कप कपी छूट गई अरे वो तो कह दे चले जाओ अबे डायलॉग तो मार दे चलो ठीक है भाई बाय अरे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं कुछ हाय हेलो तो कर दो गाइस को क्यों बहुत दिन बाद क्यों मिल रहे हो गाइस कई दिनों से अपने घर थी है ना गाइस लेकिन हम व्लॉग में मिले थे अभी कुछ दिन पहले गाइस ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दिनों से घर पे थी तो मिल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई मैंने कल भी रिक्वेस्ट करी थी देखो क्या होता है कि जब तुम लाइक कम करते हो ना तो क्या होता है कि उसका रेशियो डाउन होता है तो यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता आगे तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से आप प्लीज उसे एक बार वीडियो को देखने से पहले ही कर दिया करो यार बेशक लेकिन लाइक कर दिया करो यार वीडियो को यार बहुत जरूरी है यार कुछ दिन करके देखो अच्छा लगेगा तुम्हें भी तो भाई कर दिया करो यार कुछ दिन ना हमें भी अच्छा लगेगा अगर तुम लाइक करोगे ना और कमेंट करोगे तो भाई माशाल्लाह कमेंट करोगे तो भाई हमें ऐसा लगेगा ना क्या चीज हाँ मतलब अगर क्या चीज आपको हमारी बुरी लगती है फीडबैक एक्सेप्टेड है यहाँ सारे जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है ना कोई हमारे जैसे भी हमारे व्यूअर्स हैं प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो नाइस वाइस कुछ तो लिख दिया करो है ना बाकी तो कुछ नाइस वाइस लिख दिया करो क्योंकि हमारे कुछ हैं जो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं है ना मैंने देखा है हाँ कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं हमें भाई देखो मैं ये नहीं कहता कि हमारी ना बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली है लेकिन मैं सच बताऊँ ना हमारी हमारी जितने है ना अगर मेरे मेरे व्लॉग को अगर 50 बंदे भी देख रहे हैं ना तो भाई मैं ये कहूँगा कि वो 50 बंदे ना मेरे जेन्युइन और वो मेरी फैमिली है यार बहुत बढ़िया यार और वो दिल से ना हमें देखते भी और पता है कभी कभी मिलते हैं तो बताते भी हाँ अप्रिशिएट भी करते हैं तो भाई यही चाहिए बस यार और क्या चाहिए तो चलो मोटिवेट तो सब करते हैं मोटिवेट करने वाला बंदा चाहिए मोटिवेशन चाहिए चलो मिलते अभी घर पहुँच के कुछ दिन के लिए मैं घर चली जाऊं घर की हालत ये देखो डस्ट देखो तो भाई ये सामान पूरा खोल लिया है ना ज्योतिका ने और ये साड़ी किसने दी है मम्मी ने क्या बोला क्या बोली देते हैं अच्छा संक्रांत है ना अच्छा तो ये साड़ी दी है सुंदर लग रही ये साड़ी दी है बढ़िया तो भाई देख लो आते ही कवर ओवर चेंज कर दिए बेडशीट का कवर चेंज कर दिया है ना बेडशीट का कवर चेंज होता है बेडशीट का और क्या बेड की बेडशीट चेंज होती है अच्छा, बेडशीट का कवर चेंज नहीं बेडशीट चेंज कर दिया 15 दिन के लिए औरत चली जाए ना आदमी को आटे दाल का भाव पता लग जाता है आदमी को ये भी नहीं पता ये धुला और जब सूंघा ना इतनी गंदी बदबू आ रही थी कपड़ों में मतलब ये तुम सोशल मीडिया पे बताओगे कि बदबू आ रही है मेरे कपड़ों में एक ही कपड़े को इतने दिन पहनोगे और धुलवाओगे नहीं तो यही होगा ना चलो गाइस मैं करती हूँ जल्दी अनबॉक्सिंग सारे कपड़ों को अनपैक करती हूँ ठीक है तो
चलो गाइस अब मैं जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत काम पड़ा है अभी। अब इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।